लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका स्वागत है। क्लास सिक्स का आरंभिक समाज हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ शेष रह गया है, उसे आज पढ़ेंगे। इसमें हम लोग आदि मानव का निवास स्थान के बारे में पढ़े हैं, वस्त्रों का निर्माण के बारे में पढ़े हैं और उनके औजारों के निर्माण के बारे में पढ़े हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग आदि मानव आग की खोज कैसे किए होंगे। तो बच्चों, आग की खोज आदि मानव किस प्रकार किए होंगे उसको हम लोग जानेंगे। प्राचीन काल में पत्थरों से पत्थर का टकराव हुआ होगा और चिंगारियां निकली होगी और उस चिंगारी से घास फूस और पत्ते में आग लग गए होंगे, जिस कारण से आदि मानव को ठंड में गर्मी महसूस हुई होगी। तो इस प्रकार आग के बारे में उनको जानकारी मिल गई होगी और ठंडा में जाड़े से बचाव के लिए आग जलाए होंगे, मांस को पकाने के लिए आग का उपयोग किए होंगे और जंगली जानवर से भी बचने के लिए आग का उपयोग किए होंगे। आजकल भी हम लोग का झारखंड में जंगली जानवर जैसे हाथी और जंगली सुअर को भगाने के लिए गांवों के लोग क्या करते हैं, लंबी डंडी में यानी बांस का लंबी डंडी में उसके किनारे छोर पर कपड़े को लपेट करके उसमें किरासन छिड़क कर जला देते हैं और उसका मसाल से जंगली हाथियों को भगाते हैं और जंगली सुअर को भगाते हैं। जैसे झारखंड का सारंडा जंगल, उसमें बहुत हाथी आता है और तोपचांची में भी आता है। इस प्रकार और भी जंगल है बड़ा बड़ा, उसमें हाथियों को रात में गांव में प्रवेश करने से लोग भगाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन। प्राचीन काल में जलवायु परिवर्तन किस प्रकार हुआ होगा। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप गर्मी बढ़ने लगी होगी और घास के मैदान निकल गए होंगे, घास उग गई होगी, जिसके कारण हिरण, बारहसिंघा, गाय, भेड़, बकरी आदि जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई होगी और इन जानवरों की बढ़ोतरी हुई तो मानव लोग को जानकारी हुई होगी कि इसको पालने से हम लोग को क्या क्या फायदा हो सकता है। जैसे बकरी पालन से दूध और मांस का उपयोग, गाय से भी दूध का उपयोग, इस प्रकार धीरे धीरे वो लोग पालतू बनाए होंगे और पालने लगे होंगे और धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन से वो लोग कृषि का कार्य भी करना शुरू किए होंगे। तो इस तरह का फायदा आदि मानव के जीवन में हुआ होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे पाषाण काल के विभिन्न चरण। पाषाण काल के विभिन्न चरण में आता है तीन चरण, उसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष पहले तक का
समय को बताया जाता है। कितना लाख वर्ष से पहले का समय को बताया जाता है? 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष तक के पहले का समय को पूरा पाषाण काल बताया जाता है। वहीं पर मध्य पाषाण काल 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक के पहले का समय को बताया जाता है। तीसरा है नव पाषाण काल, 10,000 वर्ष से पहले से लेकर 4,000 वर्ष तक के पहले के समय को बताया जाता है। तो बच्चों, पूरा पाषाण काल में आदि मानव आग का खोज किए, उस समय आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में आदि मानव को जाना जाता था। वो लोग खासकर शिकार करते थे, कंदमूल फल को इकट्ठा करते थे, हम पहले भी बता चुके हैं, और इस प्रकार वो लोग जीवन यापन करते थे। और पुरातात्विक साक्ष्य पूरा पाषाण काल में मिलता था, जैसे जमीन का खुदाई से पत्थरों का औजार आदि मिलता था, जैसे मध्य प्रदेश का भीमबेटका में प्राप्त हुआ है। और मध्य पाषाण काल में भी लोग शिकार करते थे, आखेटक या शिकार करते थे, खाद्य संग्रह भी करते थे, उसके साथ साथ पशुपालन का कार्य भी सीखा, यानी कि पशुपालन का कार्य मध्य पाषाण काल से शुरुआत हुई। इस समय लोग पशुपालन के साथ साथ थोड़ा मोड़ा कुछ मतलब कि अन्न कहीं पर जंगल में झाड़ में कचरा में उगा होगा वो सबको भी देखते होंगे, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे उसको चख करके देखे होंगे कि किस प्रकार का लगता है और कौन सा पशु को कैसे उपयोग करेंगे उसको भी जाने होंगे और पशु को पाले होंगे, जैसे बैल वगैरह हुआ उसको किस प्रकार हम लोग पालेंगे, बकरी को कैसे पालेंगे, गाय को कैसे पालेंगे, उसको ध्यान में रखकर पशुपालन का काम किए होंगे। अब नव पाषाण काल में भी वही काम को करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा विकसित होकर के किए। पूरा पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में वही काम होता था जो अभी नव पाषाण काल में करते होंगे, लेकिन थोड़ा सा उन लोग का बुद्धि में विकास हुआ होगा। इस समय लोग कृषि का कार्य शुरुआत किए नव पाषाण काल में, और उनका जो औजार होता था उस समय पत्थर का थोड़ा सुंदर नुकीला धारदार इस टाइप का औजार होता था, और पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में भी हुआ है। इस प्रकार नव पाषाण काल में बहुत आगे निकल चुके थे, जैसे किस अन्न को हम लोग खाएंगे जो हम लोग के लिए उपयोगी होगा, मांस को पकाकर खाने के लिए सीख गए होंगे, अन्न को किस प्रकार हम लोग उपजा करके खाएंगे उसको सीख गए होंगे, और पहिए का आविष्कार उसको भी सीख गए। इस प्रकार धीरे धीरे उनका बुद्धि में भी विकास होने लगा। और जैसे पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं वो नव पाषाण काल में पुरातात्विक भी अच्छा से स्पष्ट दिखाई देता है, और साहित्यिक को भी थोड़ा बहुत पढ़ा जा सकता है, इसीलिए नव पाषाण काल नाम दिया गया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता,
उसमें बहुत सारी मूर्तियां मिली है, उसको देख करके लोग समझ सकते हैं कि मानव का जीवन यापन किस प्रकार था। अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे शैल चित्रकारी। शैल चित्रकारी किसे कहेंगे हम लोग? आदि मानव अपने गुफाओं एवं कंदराओं में शिलाओं पर यानी कि पत्थरों के दीवारों पर उकेर करके चित्र बनाते थे या चित्र का निर्माण करते थे, तो वैसे चित्र को हम लोग शैल चित्र कहते हैं। उसमें विशेषकर पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और आखेट एवं ज्यामितीय आकृति का चित्र बनाया जाता था। वो मनोरंजन के लिए भी बनाते थे और खाली समय रहता था तो अपना खुशी जाहिर करने के लिए भी बनाते थे होंगे। इसका उदाहरण है अजंता और एलोरा का गुफा जो महाराष्ट्र में है, वहां सुंदर सुंदर चित्रकारी देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश में भीमबेटका, झारखंड के हजारीबाग के इसको ग्राम में भी इस प्रकार का चित्र मिला है, जो बड़का गांव प्रखंड में है। वहां का एक पहाड़ी में, पहाड़ का गुफा में नाला जैसे है, उस नाला में अभी भी पानी बह रहा है और उसका दीवारों में वनस्पतियों का एवं पशुओं का चित्र बना हुआ है। और इतना ही नहीं, वहां मानव के हाथ और पैर का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है और आखेट का भी दृश्य वहां है, जहां एक मनुष्य अपने कंधे पे शिकार को लिए हुए है, उसका चित्र बनाया हुआ है। इसका खोज बुलु इमाम के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार बहुत सारा चीज हमारे झारखंड में भी देखने को मिलता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।